السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سنى بسنته الى يوم الدين اما بعد برادران اسلام الحمد لله استقبل सलात में वाक़ होने वाली बहुत सारी ग़लतियों की तरफ़ इशारा किया गया था उनी गलतियों में एक ग़लती बहुत सारे मुसलमान भाइयों से सरजद होती है और ख़ूस इफ्तार करते हुए या सहरी करते हुए किस इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ फ़ौर अदा करते हैं सहरी करते हुए फजर की नमाज़ फौरन अदा करते हैं चूँकि खाना होता है कच्ची प्याज और कच्चे लहसन का अगर इस्तेमाल करके इस हाल में कि उसके मुंह से प्याज की या लहसन की पू आ रही हो नमाज़ अदा करता है तो एक ग़लती है जिसकी तरफ़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया और आप सल्लल्लाहु आपली ने नेम दिया कि जो आदमी कच्ची प्याज़ खा ले कच्ची लहसन का इस्तेमाल कर ले उसको चाहिए कि वो हमारे मसल के करीब ना आए और बाद रिवायतों में आता है कि हमारे मुसल्ले से वो अलग थलग रहे तो लिहाजा जब भी मुसलमान खाना खाता है खाने के बाद नमाज अदा करने के लिए आता है तो अपनी तोज्जा इस बात की तरफ उसको रखनी चाहिए कि कहीं उसने कच्ची प्याज का या कच्चे लहसन का तो इस्तेमाल नहीं किया और उसके मुंह से बसा औकात वो आ रही हो और इसी हालत में आकर वो नमाज़ अदा कर रहा है आप सोचें मेरे भाई कि अल्लाह ताला से इंसान हालत नमाज में सरगोशी करता है ये बंदे और रब का दरमियान का मामला होता है तो जब वो सरगोशी करता है रब के सामने खड़े होता है तो मुकम्मल ऐसी चीज़ों को अपने से दूर करे जिनसे अल्लाह के नबी सलाम ने मना कर दिया कभी उसके मुंह से कच्ची प्याज या लहसन की बो नहीं आनी चाहिए और अगर उसने इस्तेमाल कर लिया है तो ऐसी सूरत में उसको मुसल्ले से दूर रहना चाहिए जैसा कि अल्लाह के अलैहिस्सलाम ने कहा है कच्ची प्याज और कच्चे लहसन इस्तेमाल करने से चूंकि मुंह में बो आती है तो यहीं से उलमा ने हर वो चीज़ जिसके इस्तेमाल करने से इंसान के मुंह से बो आती हो तो उसका हुक्म भी कच्ची प्याज और कच्चे लहसन का हुक्म है जिस तरह कच्ची प्याज खाकर नमाज पढ़ना मना है कच्चा लहसन इस्तेमाल करके नमाज पढ़ना मना है बिल्कुल उसी तरीके से इंसान को ऐसी चीजें जिनके खाने से बू आती हो उन चीज़ों को इस्तेमाल करके नमाज अदा नहीं करना चाहिए क्योंकि ने कहा कि इन चीज़ों का भी वही है जो हुक्म कच्चे प्याज का या कच्चे लहसुन का है और यहीं से हम मालूम कर सकते हैं कि जो आदमी बीड़ी और सिगरेट का इस्तेमाल करके नमाज अदा करता है बहुत से मुसलमानों को देखा गया है कि उदू तो करने से पहले बैतुलखला में दाखिल होते हैं बीड़ी और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आकर वजू करते हैं सीधे नमाज में शामिल हो जाते हैं बसा औकात जो बगल में होता है जो उसके बाजू खड़ा होता है उसको उसके मुंह से वो महसूस होती है सोचने और गौर करने का मकाम है कि बीड़ी और सिगरेट का इस्तेमाल हराम है और इसी तरीके से तंबाकू का इस्तेमाल हराम है शरीय इस्लामिया ने इसको हराम करार दिया कच्ची प्याज तो हलाल है कच्चा लहसन हलाल है लेकिन नमाज की हालत में मना है लेकिन ये चीजें चाहे हालत नमाज में हो या नमाज के बाहर हो हर सूरत में शरीयत ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है जिस चीज़ को शरीयत इस्लामिया ने हराम करार दिया हो उस चीज़ का इस्तेमाल करता है और इसी हालत में आकर वो नमाज़ अदा करने लगता है अपने बगल में खड़े हुए इंसानों को वो तकलीफ़ देता है फ़रिश्तों को तकलीफ़ देता है इसलिए कि फ़रिश्तों को भी उन चीज़ों से तकलीफ़ होती है जिन चीज़ों से इब्ने आदम को तकलीफ़ होती है लिहाजा बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले तम्बाकू का इस्तेमाल करने वाले उनको गौर करना चाहिए उनको सोचना चाहिए कि एक हराम काम का इरतकाम करते हैं और साथ में हराम काम का इरतकाम करके इसी हालत में अल्लाह के दरबार में चले आते हैं मेरे दोस्त अल्लाह ताला के दरबार में आप आ रहे हो अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हो इंसान को हया महसूस होनी चाहिए ऐसी हालत में वो खड़ा हो जबकि वो हराम का इरतक कर चुका है हया आनी चाहिए उसको शर्म महसूस होनी चाहिए लिहाजा बीड़ी सिगरेट से इंसान तोबा करे रमजान का ये महीना तोबा की लिए बेहतरीन एक मौका है बेहतरीन अयाम हैं, बेहतरीन रातें हैं इंसान अगर तोबा करना चाहे तो इन रातों में अल्लाह तला से तोबा कर ले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले इसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान नमाज अदा करने के लिए आते हैं साख्स पहने हुए होते हैं साक्स अगर पाक साफ हो तो कोई हरज की बात नहीं लेकिन बसा औकात उन साख्सों में से जो वो पहना हुआ है वो आती रहती है और ये वो बड़ी गंदी होती है खुद भी उसको महसूस होता है और उसके बाजों में जो खड़े वाने वाले मुसलमान हैं उनको भी वो चीज़ महसूस होती है उसके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं हालत सजदा में जब वो सजदा करते हैं तो वो भी उस वो को महसूस करते हैं तो जब अल्लाह के नबी नबीम ने कच्ची प्याज कच्ची लहसुन वो की वजह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आने से मस्जिद में मना कर दिया रोक दिया तो ऐसे साक्स पहनकर कैसे मुसलमान आ सकता है जिन साक्सों से बू आती हो किस्म की बदबू महसूस होती हो वो साक्स पहन कर कैसे नमाज अदा कर सकता है लिहाजा इंसान को चाहिए कि नमाज अदा करता है खुशबू का इस्तेमाल करे मिसवाक का अहमाम करे अल्लाह के नबी आई सलाम वज़ू करते तो मिसवाक का अहतमाम करते नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाह के नबी आला सलाम मसवाक का एहतमाम करते क्यों तहारत की हालत में पाकि की हालत में आ रब के दरबार में खड़े होना आपको पसंद था और आप बाकी को हर हालत में पसंद किया करते थे लिहाजा इस चीज़ का हमें अहमाम करना चाहिए रब करीम से दुआ है कि अल्लाह तम तमाम मुसलमानों को हर उस चीज़ से बचाए जो शरीय के मुखालफत में आती है और हर उस काम को अंजाम देने की तोफ़ीक़त फरमाएँ जिसकी तरफ नबी नबीम ने रहनमाई की है आमीन व आखिर रबी अल्लाम आलैक्म वर वर्का